चलो भाई, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो के अंदर। सो फाइनली यहाँ पर गाइस हमने एक और नया छोटा सा एक्सटेंशन डेवलप किया है जिसका नाम है गाइस हाईलाइट टेक्स्ट एक्सटेंशन। इसकी मदद से गाइस आप अपने किसी भी लेबल के अंदर किसी भी एक टेक्स्ट को गाइस आप हाईलाइट कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसके ऊपर हमने ये एक्सटेंशन डेवलप किया है, तो बहुत ही सिंपल एक्सटेंशन है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर गाइस डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली इस एक्सटेंशन का यहाँ पर इनपुट कर लो, हाईलाइट टेक्स्ट बोल के आपको ये एक्सटेंशन मिल जाएगा। वर्जन 1 है इसका, तो इसको सिंपली यहाँ पर इनपुट कर लो। ओके, अब गाइस अगर मैं ब्लॉक्स के अंदर जाऊँ तो आपको कुछ इस प्रकार का जो ब्लॉक है वो गाइस देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो आपको ये ब्लॉक कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ सिंपली। ओके, सो जैसे कि आप यहाँ पर डिजाइनर देख सकते हो, डिजाइनर पार्ट के अंदर हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है, स्पेस लिया है गैपिंग के लिए। उसके बाद हमने एक लेबल लिया है जिसके अंदर हमने कुछ टेक्स्ट जो बाय डिफॉल्ट डाल दिया। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने लाइव टेक्स्टिंग के साथ भी एप्लीकेशन को कनेक्ट कर लिया है। अब गाइस यहाँ पर अगर मैं चाहूँ, यहाँ पर मान लो ये वाला जो टेक्स्ट इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो वो मैं गाइस एक्सटेंशन की मदद से कर सकता हूँ। ठीक है, तो कैसे आप भी मैं दिखाता हूँ। तो देखो, उससे पहले गाइस आप एक काम करना, जिस भी लेबल के अंदर मतलब जिस भी लेवल के अंदर आप टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हो, उस लेवल कंपोनेंट के अंदर जाके प्रॉपर्टीज पे जाके आपको इसका जो HTML फॉर्मेट है इसको गाइस ऑन कर देना है। अगर आप इसको ऑन नहीं करोगे तो आपका जो हाईलाइट वाला फंक्शन है वो गाइस काम नहीं करेगा। तो जरूर से ये बात ध्यान में रखना, जिस भी लेवल के अंदर आप किसी भी एक टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हो, उस लेवल का जो HTML फॉर्मेट है प्रॉपर्टीज के अंदर, उसको गाइस आपको एनेबल करना होगा, तभी ये चीज काम करेगा। ओके, उसके बाद गाइस देखो, जैसे कि आप हाईलाइट टेक्स्ट ये वाला ब्लॉक यहाँ पर आप ले लो। अभी मैं गाइस जब भी टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट के अंदर कोई भी टेक्स्ट चेंज होगा, तभी मैं ये इस वाले ब्लॉक को यहाँ पर काम करूंगा। तो उसके लिए मैं गाइस क्या करूंगा, लेवल 1 सेट टेक्स्ट, मतलब इसी लेवल के अंदर जिस लेवल के अंदर से मैं टेक्स्ट किसी एक टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहता हूँ, उसी टेक्स्ट को हम मैं यहाँ पर सेट करूंगा level1.txt, और इसको मैं यहाँ पर लगा दूंगा। एंड गाइस लेवल टेक्स्ट, इस level 1 के अंदर जितने भी टेक्स्ट रहेगा वो टेक्स्ट गाइस इसके अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद हाईलाइट टेक्स्ट, आप कौन सा टेक्स्ट को इस लेवल के अंदर से मतलब गेट करना चाहते हो, उसको गाइस यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट डालेगा वो टेक्स्ट होगा यहाँ पर हाईलाइट टेक्स्ट के अंदर। एंड गाइज आप हाईलाइट का कलर क्या देना चाहते हो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर कलर येलो दे देता हूँ। ओके, अभी मैं यहाँ पर टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मान लो, यहाँ पर इस वाले टेक्स्ट को मैं गाइज क्या करूँगा, सर्च करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, STUDENT। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट ये गाइज हाईलाइटेड हो रहा है। आप किसी भी टेक्स्ट को मतलब जो भी टेक्स्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हो वो गाइस आप इस एक्सटेंशन की मदद से बड़े ही आसानी से कर सकते हो। ओके, सो इसी प्रकार से गाइस ये जो एक्सटेंशन है ये एक्सटेंशन वर्क करता है। होप दैट गाइस आपको ये एक्सटेंशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये एक्सटेंशन पसंद आ जाता है, साथ साथ इस वीडियो को पसंद आ जाता है, तब वीडियो को जरूर लाइक करना, साथ साथ चैनल पर अगर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एक्सटेंशन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, जाके जरूर से डाउनलोड कर लेना। तो गाइस वीडियो को मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ, मिलता है वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।